नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज जिस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के छावनी क्षेत्र में गुप्तार घाट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर का विवाद गंभीर मोड़ ले चुका है। रविवार की भोर में मंदिर परिसर में स्थित महंत विमल कृष्णदास के कमरे को निशाना बनाकर बम फेंके गए हैं। परिसर में 4 बार तेज धमाके हुए जिससे आसपास के लोग भी सहम गए हैं। हमले में महंत बाल बाल बच गए हैं, लेकिन उनके कमरे की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बम निरोधक दस्ते व फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये हमला मंदिर पर कब्जेदारी के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। महंत विमल कृष्णदास ने बताया कि भोर में वे सो रहे थे, तभी तेज धमाका हुआ। जिस कमरे को निशाना बनाकर बम फेंका गया, उस कमरे में रामदास सो रहे थे, वे अलग कमरे में थे। धमाके की आवाज सुनकर सभी बाहर निकल आए। आसपास के लोगों ने भी धमाके की आवाज सुनी है। महंत ने बताया कि करीब 3 वर्ष से वे मंदिर की सेवा में है, पहले भी उन पर हमला हो चुका है। वर्तमान में मंदिर की व्यवस्था मणिराम दास छावनी ट्रस्ट की ओर से संचालित है। सदर बाजार निवासी चंदा बाबा भी मंदिर में अपना दावा करते हैं। महंत ने उन्हीं पर हमले की साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस चंदा बाबा के भाई गुल्ली सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना स्थल से पुलिस ने बम के अवशेष जांच के लिए सुरक्षित लिए हैं। पुलिस के अनुसार बम आतिशबाजी में प्रयोग होने वाला प्रतीत हो रहा है। जांच रिपोर्ट भी जल्द ही दोस्तों मिल जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, एसएसपी राजकरण नय्यर ने बताया कि अब तक की जांच व सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में किसी के बम फेंककर भागने की पुष्टि नहीं हो सकी है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। हनुमान मंदिर को लेकर गत 24 जुलाई को विवाद हुआ था। चंदा बाबा ने महंत विमल कृष्णदास व उनके सहयोगियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसकी प्राथमिकी कैंट थाने में दर्ज है। इस घटना का भी दोस्तों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन देर रात दोस्तों कई बार बम फेंके गए हैं और कई दोस्तों धमाके हुए हैं, जिसके बाद पूरा इलाका दहल उठा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आ रही है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।